दोस्तों अभी जो आपने 15 से 20 सेकंड का वीडियो देखा, आप इसे किस तरह से एडिटिंग कर सकता है, किस तरह से बना सकता है और बना के क्या फायदा है, थोड़ा सा बता दो इसका। कि आपको पता है कि अभी टिकटॉक का दौर चल रहा है, अगर आपको इस तरह का वीडियो बनाना आता है तो आप टिकटॉक पर छोड़कर खुद को वायरल कर सकता है। और टिकटॉक पर वायरल होने से क्या है आपको तो अच्छी तरह पता है क्योंकि आप खुद समझदार है। तो दोस्तों आपको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो शूट कर लेना पड़ेगा कुछ इस तरह। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय आपको एक खास बात का ध्यान देना चाहिए कि क्यों आपकी मोबाइल ट्राइपॉड पर रखकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए कुछ इस तरह से। और रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद ले चलता हूँ आपको कैन मास्टर की स्क्रीन पर और वहाँ बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो दोस्तों आपको वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आपको फाइनली कैन मास्टर पर आ जाना है और यहाँ मैं कैन मास्टर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली आपको यहाँ प्लस वाला बटन ओके करना है, करने के बाद यहाँ 16:9 वाला रेशियो को चूज कर लेना। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सबसे ऊपर जो मीडिया दिख रहा है मीडिया पे जाना है, जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने बताया वो वीडियो लाने के लिए जिस फाइल पर जिस फोल्डर पर आपको वीडियो वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ वीडियो आ जाएगा, वीडियो पर टच करना, टच करने के बाद ये टाइमलाइन पर आ जाएगा, देख सकते हैं मेरा वीडियो टाइमलाइन पर आ गया है। और उसके बाद यहाँ आपको टिक मार पर इस तरह से ओके कर लेना है। जैसे आप वो करेगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय कुछ तो वेस्ट पर जरूर आया होगा, ये देखिए जैसे कि ये वेस्ट पड़ा है तो पहले आपको यहाँ से इस तरह से काट लेना। जैसे कि ये बंदा जो है, ये बंदा जहाँ से एंट्री कर रहा है, ये देखिए जहाँ से एंट्री कर रहा है तो यहाँ इस तरह से लेयर पर टच करके करने के बाद यहाँ कैंची वाला ऑप्शन, कैंची वाला ऑप्शन पर जाके यहाँ देखिएगा ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड पे ओके कर देना है ऊपर सबसे ऊपर, तो ये आगे वाला हिस्सा कट जाएगा। और उसके बाद कुछ पीछे का भी हिस्सा जो आया होगा जो वेस्ट पार्ट है उसे भी आपको निकलना है। यहाँ तक जब ये बंदा फिर से यहाँ रिटर्न आता है तो आपको यहाँ से फिर से लेयर पर टच करके, लेयर पर टच करने के बाद यहाँ कैंची वाला ऑप्शन पर जाना, कैंची वाला ऑप्शन पर जाने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे ओके कर देना है जो सेंटर में है, तो ये कट जाएगा। और काटने के बाद जो सामान चाहिए इस वीडियो को बनाने के लिए उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैंने एक फाइल बनाकर उस पर दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आपको यहाँ फायर वाला शॉट लगाना, आग लगाना, जैसे कि ये बंदा जैसे कि डर के बैठ रहा है और मैं जैसे हाथ निकलता हूँ, आप जैसे हाथ निकलोगे, ये देखिए जैसे हाथ निकलोगे वहाँ आपको फायर वाला लगा देना है। तो सिंपली आपको फायर वाला लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिंपली आपके कैन मास्टर में मिल जाएगा या मैंने उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप वहाँ से, जैसे कि आपका हाथ इस तरह से इतना आएगा तो आपको यहाँ से क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए फाइनली जैसे जैसा होगा तो आपको यहाँ से आपको लेयर पे चला जाना है। लेयर पे जाने के बाद यहाँ देख रहा है जो इफेक्ट्स के नीचे है वहाँ चला जाना, जाने के बाद ये देखिए फायर शेप्स में जाना है आपको, ये फायर शेप्स, और यहाँ से ये वाला फायर को चूज कर लेना। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप कैन मास्टर से भी आपने डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको इस तरह से यहाँ रोटेट करके यहाँ जहाँ आप अपना हाथ का निशान है इसे यहाँ से आप बिठा सकते हैं, तो आप टिक मार के वो कर देंगे और एक बार प्ले करके देखेंगे, ये देखिए तो इस तरह से ये फायर का जो है शॉट्स होता है। तो आपको फिर से ये बंदा जैसे कि खड़ा होने, यानी कि आपका हाथ जहाँ तक उतर रहा है नीचे, ये देखिए इतना, मतलब इतना यहाँ से वो फायर वाला शॉट्स को जो आग है उसको टच करके यहाँ फिर से कैंची वाला ऑप्शन पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे ओके करेंगे और करने के बाद ये देखिए काट चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन को इस तरह से टच करके यहाँ थ्री डॉट पे ओके करेंगे, थ्री डॉट पे ओके करने के बाद यहाँ डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। अब डुप्लीकेट होने के बाद ये डुप्लीकेट लेयर पर टच करके यहाँ इस हाथ पे इस तरह से बिठा देंगे, दोनों सेम लेयर हो गया, ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है। आप जो चाहे इनमें से दे सकता है, अगर इस वीडियो में बताऊँ तो हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप साउंड इफेक्ट कोई भी डाल सकते हैं, साउंड डालने के लिए यहाँ आपको ऑडियो पे जाना है, ऑडियो पे जाने के बाद आपको जो साउंड से आप डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने एक बैकग्राउंड का साउंड दे दिया जो आपको सुनाई दे रहा है, आप इसे यहाँ प्लग वाले बटन में मार्क करके ओके कर सकते हैं अपने फूल में। दोस्तों यहाँ से जो साउंड एक्स्ट्रा इसे भी काट लेना आपको, ट्रिम टू, ये देखिए ट्रिम टू लेफ्ट राइट ऑफ फ्लैट पर करके कर लिया, अब आपका वीडियो रेडी हो गया। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ शेयर वाला बटन पर ओके करना चाहिए। जैसे आप शेयर वाला बटन पर ओके करोगे यहाँ से आप रेजोल्यूशन इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको 720p पे ज़्यादा रखना है और यहाँ से भी आप रेजोल्यूशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट पर ओके कर देना, जैसे आप एक्सपोर्ट पर ओके करेंगे आपका वीडियो एक्सपोर्ट